नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल का नाम लक्ष्मी किचन क्वीन है। आज मैं आपको एक अलग तरीके की चने दाल की मिक्स भेज पकौड़े बताने वाली हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तो चलिए आसान तरीके की भेज मिक्स पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। चलिए मैं 2 कटोरे चनों की दाल लूँगी और मिक्सर में इसका पेस्ट बना लूँगी। फिर इसको एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। बाकी की सामग्री ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें कटी हुई बारीक प्याज के पत्ते, पालक पत्ते, कटी हुई प्याज, आलू, तीखी के लिए मिर्च, धनिया के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और स्वाद के लिए हल्के से जवाइन और मंगरेला डालूंगी। हम दोस्तों इसका एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। सारी सामग्रियों को इसमें ऐड करेंगे, जितना मैंने आपको बताया, प्याज के पत्ते, पालक पत्ते, कटी हुई प्याज, आलू, धनिया के पत्ते, हल्दी, स्वाद अनुसार अपना नमक दें और हल्के से स्वाद के लिए अजवाइन, मंगरेला, ये सब। अब सारी सामग्रियों को एक अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। इसको अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। अब मैं पकोड़े तलने के लिए गैस पे कढ़ाई बैठाऊंगी, उस पर तेल डालूंगी और इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए डाल के देखूंगी तेल गर्म हुई है या नहीं। और अब ये देखिए तेल गर्म हो चुकी है। अब ये पकोड़े तलने लायक पूरी तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें गर्म तेल में छोटी छोटी बॉल बना के इस पेस्ट को डालेंगे और इसे जब तक लाल ना हो जाए, सुनहरे रंग होने तक इसे हम तलते रहेंगे। और ये देखिए अभी जैसे होली का टाइम है तो पकोड़े बनाते हैं। होली में सबके यहाँ अक्सर पकोड़े बनता ही है। और अब ये देखिए पूरे सुनहरे रंग के बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे चटनी के साथ। पुदीने की चटनी अच्छी है इसके लिए। हमारे मिक्स वेज पकौड़े बन के तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाएं, अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।